तो ये एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है टू योर इटर्निटी एनिमे सीरीज के बारे में। अभी बस मैंने इसे देखना ही शुरू किया है और इसमें अभी तक जब मैंने इसके बारे में सर्च किया है तो इसके अंदर 20 एपिसोड्स होने वाले हैं, ये रनिंग में है। और इसमें अभी तक जो मैंने देखे हैं 19 ही एपिसोड आए हुए हैं, उस 19 में से मैंने 3 ही एपिसोड देखे हैं। और ये एपिसोड देखने के बाद अंदर से फीलिंग, मतलब एहसास हुआ कि यार, वही फीलिंग एहसास कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ कि कितनी कमाल की ये सीरीज है। और IMDb के ऊपर जब मैंने इसकी रेटिंग चेक की तो इसको रेटिंग में मिले हुए थे 9 out of 10 स्टार। तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है काफी दम रखती है। जब मैंने इसके बारे में सुना ही था उस वक्त मैं इसके बारे में देख भी रहा, मतलब देख क्या रहा था, इसका एक पोस्टर ही मैंने देखा था और उस वक्त मैंने टोक्यो रिवेंजर देखनी शुरू की थी। वहां पर अगर मुझे इसका एक एपिसोड में देख भी लेता तो डेफिनेटली मैं इस एनिमे सीरीज को, यानी टू योर इटर्निटी को, मैं डेफिनेटली प्रायोरिटी देता टोक्यो रिवेंजर से ज्यादा। ये एक डिफरेंट टाइप का जोनर देखकर यार मुझे बड़ी खुशी हुई। और सच में एनिमेशन में कितना ज्यादा पोटेंशियल है वो आप ये एनिमेशन, यानी ये एनिमे सीरीज देखोगे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। जो चीज लाइव एक्शन मूवी में, लाइव एक्शन सीरीज के अंदर पॉसिबल नहीं है, उसको बड़े आसानी से, बहुत डायमेंशन आ जाते हैं एनिमेशन के अंदर, आप बड़े अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो लोग ये समझते हैं कि एनिमे एक कार्टून है और इसमें बच्चों के लिए ही चीजें बनाई जाती हैं, तुम्हें नहीं पता यार आर्ट क्या है, एक्चुअल में तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। ओके, अब इस सीरीज की कहानी की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने इसके 3 ही एपिसोड देखे हैं, तो अभी इसकी कहानी मैं इससे गुजर ही रहा हूं, तो मैं पूरा कंक्लूजन तो नहीं निकाल पाऊंगा कि हाँ ये किस मोड पे जा रही है और हमें क्या सिखाने वाली है और कैसा कैसा इसके अंदर देखने को वाला। खैर, जितना देखा है उसके बिहाव पे, उसके वो जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो मैं बता देता हूं। अब यार देखो, रीजन ये है कि बिना पूरी सीरीज देखे रिव्यू करना, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी। ओके ओके, मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी फोकस करते हैं स्टोरी के ऊपर। तो एक और है, और ORB, अब इसका मतलब क्या है, पत्थर, मतलब एक ऐसी चीज जो किसी को भी टच करे तो उसका रूप ले लेती है, चाहे वो पत्थर हो या फिर कोई जीवित चीज हो। और ये कैसे होता है, इसके पीछे एक रूल चलता है, एक फॉर्मेट चलता है, खैर वो जब आप इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और इस ऑर्ब का एक ही मतलब है, इंफॉर्मेशन एकत्रित करना, मतलब वो इंफॉर्मेशन किसी चीज से रिलेटेड हो सकती है, इंसानों की फीलिंग से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जब एनिमेशन, यानी इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो इसका मेरा एक्सपीरियंस भाई साहब ये रहा कि ये क्या है, मतलब इतना डिफरेंट टाइप का जोनर मैंने नहीं देखा था। हाँ, मैंने बहुत सारी एनिमे मूवीज, एनिमे सीरीज देखी हैं जिसमें अलग अलग टाइप के जोनर हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये उनमें से भी अलग है। और इसके फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही मुझे पता चल गया ये पूरा अपना दम लगा देगी, अपनी हदें पार कर देगी आपको अंदर तक हिलाने के लिए। मतलब यार, जो फर्स्ट एपिसोड जब खत्म होता है, जिस तरीके का इसके अंदर दिखाया जाता है, मतलब मैं वो आपको बताकर आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करना चाहता हूं, तो इतना इमोशनल वो कर देते हैं। और साथ ही साथ इस इमोशनल को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए इसके म्यूजिक, भाई साहब चुम्बेश्वरी लेवल का म्यूजिक इन्होंने दिया है, बहुत जबरदस्त। और ये जो ऑर्ब है जिसका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अब इस इंफॉर्मेशन का वो क्या करेगा, इंसानों को समझने की, इसकी जो इसमें दिखाई जाती है कि इंसानों की फीलिंग को वो समझे, अब इंसानों की फीलिंग को समझ के उसका यूज कैसे करेगा या फिर वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, खैर ये तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा, यानी मुझे पता चलेगा जब मैं इस पूरी एनिमे सीरीज को कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि अभी तक 3 एपिसोड देखे हैं तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता है। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है कि हाँ अगला एपिसोड इसके अंदर क्या होने वाला है, अब ये कहाँ जाएगी, इसकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, मतलब आप इसमें गैस नहीं कर पाओगे यार, हाँ अब इसमें शायद ये हो जाए, नहीं नहीं इसमें बहुत अलग, ये देखो यार ये वाली जो चीज है ना, ये आपको इसमें कनेक्ट करके रखती है, डिफरेंट टाइप की चीज तो है ही कि हाँ ये चीज कैसे आपकी इमोशन को बताएगी, यानी दूसरे इंसानों से मिलना, उनके इमोशन को बाहर लेके आना, डेफिनेटली इमोशन पे तो इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया गया है। और कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि यार जितनी भी एनिमे मूवी, एनिमे सीरीज देख रहा हूँ वो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं जा रहा, उनको देखना वर्थ इट है, सिवाय एक एनिमेशन को, यानी एक एनिमे सीरीज को छोड़ दें, एनिमे मूवी रही है जिसके अंदर 3 एपिसोड रहे हैं, उसका नाम था फ्लेवर ऑफ यूथ ऐसा कुछ करके, खैर मैं उसको भूलने के कगार पे हूँ, भूल जाए तो अच्छे हैं। फोकस करते हैं टू योर इटर्निटी के ऊपर। सो यू शुड वॉच दिस एनिमे, डेफिनेटली आप लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और जब ये पूरी कंप्लीट कर लूंगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे, खैर उससे पहले कुछ वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि मैंने कुछ एनिमे जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर वीडियो आएंगे। आफ्टर दैट
मैं इस वीडियो मतलब इस एनिमे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना लूंगा, उसके लिए भाई सब थोड़ा सा वेट करना होगा। तो आप लोगों ने ये एनिमे देख ली मतलब अभी तक तो कंप्लीट शायद हो गई होगी जब तक तो ये वीडियो आ रही होगी, अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि कैसा है, कैसा आपने इसको समझा है। और जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देखो, बहुत बढ़िया एनिमेशन मतलब एनिमे है, एनिमेशन भी काफी अच्छी है इसकी। हाँ, इंग्लिश डब में नहीं है, इंग्लिश सबटाइटल में, तो खैर वो तो हम ऑलरेडी इससे मतलब यूजुअल हो गए, मतलब यूज टू हो चुके हैं इसके, तो आदत हो गई है इसके लिए कि चल ठीक है तुम डब में नहीं तो सबटाइटल ही दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है ना भैया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।